नमस्कार, मैं सियार जी और आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज आपके लिए लेकर के आया हूं ये वाला जो सिलेंड्रिकल लॉक है, इसको किस तरह से फिट किया जाता है, इसकी फिटिंग कैसे होती है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं आज इसके बारे में पूरी जानकारी लॉक लगा करके दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और साथ में बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक कि कभी कभार लॉक लगाना पड़ता है तो उसमें हम भूल जाते हैं कि इसका जो होल है वो निकलता है वो कितनी दूरी पे निकलता है। तो इसके लिए मैं आपको सब कुछ पूरी डिटेल जानकारी बताने वाला हूँ और एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिससे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि इसका होल है वो कितने पे निकालना है। अब साथ में ये वाला पेपर भी इसके आता है तो इससे भी मैं आपको ये वाला जो लिखा हुआ है इसमें, अगर बाय द वे ये भी नहीं समझ में आता है तो भी आपको इसका भी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है इसका ये लैच, सबसे खास है। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है इसको आप पक्का ध्यान में रख लीजिए, कभी आपका होल गलत नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए देखिए, ये जो है ये यहाँ से यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये बरोबर ये देखिए सवा इंच पे है, सवा इंच पे है और 32 mm पे है, सवा इंच और 32 mm। दूसरा आता है वो इससे बड़ा 1.5 इंच का आता है, थोड़ा लंबा आता है ये वाला ऐसा, तो उसका भी ये माप लेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कितनी दूर पे। अब होल जो है ये वाला जो सीधा है ये सवा इंच हो गया, पहले दरवाजे से सवा इंच पे हम, जैसे मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि जैसे ये वाला निकाला हुआ है तो इसमें अगर हमको करना है तो ये सिरे से लेके यहाँ तक सवा इंची का एक मार्क लगा लीजिए और इसके बाद में जो ये लॉक का है ये वाला जो होल है ये 54 mm डाया का, तो 54 mm का 27 mm इसका सेंटर करके इसको आप निकाल सकते हैं, कभी भी ये गलत नहीं होगा। क्योंकि ये जो है ये वाला देखिए, ये इसके अंदर में जब जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप देख लीजिए ये वाला हिस्सा है ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आता है और जो लॉक इसका होता है ये जब हम खोल के इसके अंदर में डालेंगे तो ये जो दोनों पत्ती है वो इसके अंदर में फंसनी चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये चीज़ है वो ध्यान में रखिए। अब मैं आगे चलता हूँ और आपको पूरा लॉक लगा के कैसे लगता है पूरा कटिंग वगैरह सब करके दिखाता हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं साइड पर, लॉक लगाते हैं और देखते हैं पूरा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ ऐसे ही नए नए वीडियो, नए नए आइडिया। तो चलिए चलते हैं अभी लॉक लगाने के लिए डोर की तरफ। ये वाला जो डोर है इसमें हम अभी लॉक लगाएंगे, तो लॉक देखिए ये लॉक का निशान लगाए, ये मैं आपको इसका मार्क दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला है 6 cm पे यानी 60 mm पे, और ये दो तरह के जो लॉक आते हैं, एक दूसरा है वो बड़ा जो आता है वो 70 mm यानी 7 cm पे, यहाँ पे इसका निशान लगता है। दो तरह के मार्केट में ज़्यादा जो है वो मिलते हैं, तो एक है वो उसका निशान है ये 6 cm पे आता है, दूसरा 7 cm पे आता है। तो ये वाला इसका हो गया फ्रंट का होल। अब सामने वाला होल है वो इसी का सेंटर करके हम इसको कर लेते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम इसके लिए जो ये वाला जो कटिंग होल हमको करना है, इसके लिए 54 mm होल सा हम लेते हैं, ये वाला 54 mm और 2 इंची 1 डोरा, ये देखिए ये 2 इंची 1 डोरा 1/8 लिखा है, तो ये हो गया। अभी इससे हम यहाँ पे इसका होल निकाल लेते हैं। ये वाला जो होल है ये वाला हम 22 mm का जो ये चाहे होल सा हो चाहे ये वाला त्रिशूल पाना हो, इस तरह से इसको 22 mm से इसको होल कर लेंगे।